या क्लिनिकल प्रैक्टिस होम्योपैथी के अंदर इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, कितना भी हो उतना कम है। थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए आप करना क्या चाहते नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम और वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी यानी BHMS करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अवि शर्मा सर, जो कि BHMS MD PhD हैं। मजे की बात यह है कि सर एक फोर्थ जनरेशनल प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ है। तो सर, आप अगर हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें तो। नमस्कार। सो बेसिकली इफ इन केस अगर आप बात करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस की, तो ये मैं मानता हूँ होम्योपैथी में सबसे बेहतर चीज है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर हम बात करें अपने लिए काम करने के, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपके ऊपर कोई और ऐसा प्रेशर नहीं है जो कि आपको ऑब्लाइज करे कि आपको ये करना है या वो करना है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस या क्लिनिकल प्रैक्टिस होम्योपैथी के अंदर इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड, जिससे कि आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ डाउट्स हैं जो कि आप ही लोगों ने भेजे हैं। तो सबसे पहला डाउट ये था सर कि BHMS करने के बाद प्रैक्टिस का स्कोप क्या है? BHMS करने के बाद में आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। BHMS के बाद में जो स्कोप है वो भी अच्छा खासा है, बट अगर मैं आपको सच बताऊं तो BHMS के बाद में इट्स बेटर कि आप MD करें और उसके बाद में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। बिकॉज एक बेसिक पेशेंट की मेंटालिटी है, वो बोर्ड देख के आता है, आपका प्रेस्क्रिप्शन देख के आता है, और अगर वो देखता है कि भाई ये BHMS है और इसके आगे ये MD है, तो वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट देता है कि अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब MD है, डॉक्टर साहब ने एक अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसके पास में एक अलग तरीके का अपना पर्सपेक्टिव है, तो वो उसमें देखता है। सेइंग दैट, BHMS करने के बाद में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं होम्योपैथी में, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि जनरली पेशेंट्स को ये भी नहीं पता कि होम्योपैथी में MD होती है। करेक्ट सर। अगर आप MBBS कर रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि ओके आई नीड टू गो एंड विजिट अ MBBS डॉक्टर और अ जनरल फिजिशियन, तो ही ऑब्वियसली विल सी दैट वेदर यू हैव डन योर मास्टर्स और नॉट, वेदर यू आर MD इन सम अदर समथिंग और MS और समथिंग, बट होम्योपैथ होम्योपैथ होता है। जनरली अगर कोई बहुत ही वेल रेड कोई आपके पास पेशेंट अगर नहीं है, तो वो आपको होम्योपैथी मानेगा, तो MBHMS के बाद भी कर सकते हैं। सर, दूसरा सवाल था कि कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए अगर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, और कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है खुद की प्रैक्टिस करना? कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस कभी काउंट नहीं किया जा सकता। एक्सपीरियंस कितना भी हो उतना कम है। मेरे फादर 43 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहते हैं अभी और सीखना है। ठीक है, मेरे को 8-9 साल हो गए हैं, तो मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी बिगिन कर रहा हूं। बट क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली यू वुड नीड 2 to 3 ईयर्स कि अपने फील्ड में, अपने कहीं पे भी, अपने क्लिनिक पे अपना स्टाब्लिश होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 ईयर्स लगते हैं। और ये होम्योपैथी में ही नहीं है, चाहे आप किसी जनरल फिजिशियन की बात करें, चाहे आप BDS की बात करें, आयुर्वेदा की बात करें, सिद्धा यूनानी कहीं की भी बात करें, यू वुड नीड 2 to 3 ईयर्स कि आप प्रॉपर स्टाब्लिश हो जाए और आप अपना आराम से वट एवर योर एक्सपेंसिज आर यू कैन एक्चुअली कर। उसके बाद सर एक सवाल ये आता है कि अगर BHMS कर ली है तो उसके बाद MD की प्रिपरेशन करें या फिर अपनी प्रैक्टिस करें? BHMS अगर कर लिया है तो उसके बाद आप अपनी MD की प्रिपरेशन करें या फिर प्रैक्टिस करें। देखो, जब फर्स्ट ईयर में जब आप आते हैं ना, तब मैं सब लोगों को ये बोल देता हूं कि स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट स्टडी। फर्स्ट और सेकेंड ईयर आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो इस तरीके से है कि आपके पास में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी एंड देन द नॉर्मैलिटीज पैथोलॉजी के अंदर जो आप पढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ ईयर जो आपका है वो आता है, वो जब आप देखते हैं, वो जब आप पढ़ते हैं, तब आपका बेसिक अपना डिजीजेस आने लगती हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पैथोलॉजी इन अ नॉर्मल बॉडी ये मेरे अंदर प्रॉब्लम आ रही है, एंड दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स, एंड दीज सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स विल बी कॉल्ड वन डिजीज XYZ। अब थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए आप करना क्या चाहते हो ये, क्योंकि इट्स हाई टाइम
वंस यू रीच योर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर कि भाई मेरे से होगी प्रैक्टिस या मेरे से नहीं होगी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस होती है तो बेहतर है, अगर नहीं होती है तो फिर देखिए, अगर नहीं होती है तो इट्स बेटर कि आप अपना देखिए अकॉर्डिंगली कि भाई, क्योंकि प्रैक्टिस आई विल से दैट इट्स इजी, बट इसके इजीनेस के चक्कर में बहुत सारा गोलमोल है। इट्स नॉट दैट इजी ऑब्वियसली, और प्रैक्टिस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, हर किसी के लिए नहीं बनी। इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर मतलब जब एक बार ये अंदर घुसने लगते हो तब यू विल सी दैट यार ये तो गलत जगह तो सर, प्रैक्टिस के पर्क्स क्या होंगे और उसके नुकसान क्या होंगे? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस। किसी भी जगह किसी भी फील्ड में प्राइवेट प्रैक्टिस की सबसे बड़ी पर्क है फाइनेंशियल, कि द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू विल पुट इन योर क्लिनिक इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल गेट आउट ऑफ योर क्लिनिक। द अमाउंट ऑफ पेशेंट्स यू विल ट्रीट इन योर क्लिनिक विल बी द अमाउंट ऑफ लाइक द रेपुटेशन, द नेम दैट यू विल गेन विद दैट एंड ऑल दैट। तो प्राइवेट प्रैक्टिस की सबसे बड़ी पर्क जो है वो है फाइनेंशियल। उसके बाद में पर्क है कि आपका एक टाइम जो है वो आप खुद देते हैं। आफ्टर ऑब्वियसली 2-3 ईयर्स यू एक्चुअली रीच अ पॉइंट जहां पे यू विल से यू विल टेल योर पेशेंट्स ओके यू कम एट दिस टाइम और यू डोंट कम एंड ऑल। उससे पहले तो जो आता है वो आपका, ठीक है। तो आपका अपना एक टाइम है, आपकी फाइनेंशियल एक जो है स्टेबिलिटी है। उसके बाद में थर्ड थिंग इज कि आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, आप किसी चीज के ऊपर बाउंडेड नहीं फील करते कि ओके मेरे को तो बस पहुंचना ही है, व्हाट इफ अगर मैं 15 मिनट लेट पहुंचूं या कुछ ऐसी चीज है। आप अकॉर्डिंगली अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं कि ओके आई एम नॉट आई वोंट बी एबल टू रीच बाय 10 और आई विल रीच बाय 11 तो यू कम एट 11। कॉन्स ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ही एक टाइम मांगता है, प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत डेडिकेशन मांगता है। हमारे फादर साहब ये बोलते हैं कि ये जहां पे मैं बैठा हूं ना ये शिव जी की गद्दी है, यहाँ बैठे रहो तो सब आते रहेंगे और अगर आप यहां पे नहीं बैठे तो फिर वो कहीं और चले जाएंगे। करेक्ट। तो इस जगह पे बैठना, इफ यू हैव अ पेशेंट गुड, इफ यू डोंट हैव अ पेशेंट गुड, तो यहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब कि अगर पेशेंट आ रहा है तो यू हैव टू रीच, अगर पेशेंट ने आपको टाइम दिया है देन यू हैव टू कम। और लास्ट जो है उसमें यही है कि थोड़ा सा पेशेंट अगर आपके पास, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि अगर मैं कोई इमरजेंसी का पेशेंट ले रहा हूँ तो, और मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेशन चार्ज कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन चार्ज अलग कर रहा हूँ, तो आई हैव टू लिसन टू। डजेंट मैटर वो 2 बजे रात को कॉल करा या 4 बजे, अगर मैंने इमरजेंसी उठाई है तो वो फिर मेरे साथ है। यही है प्रोज और कॉन्स, यही है। और सर, आखिरी में अगर आप किसी हमारे जो न्यू होम्योपैथ से जो अभी शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहें प्रैक्टिसिंग को लेके। टिप्स होम्योपैथ्स के लिए सबसे पहली टिप यही है मेरे लिए कि होम्योपैथ बने, मतलब होम BHMS की डिग्री लेना इज नॉट होम्योपैथी। पहले तो होम्योपैथ बनो, होम्योपैथ के जो प्रिंसिपल्स हैं, होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करो। उसको फॉलो करने के बाद में डू वॉट एवर यू वुड वॉन्ट टू डू, अर्न एज मच मनी एज यू वुड वॉन्ट टू डू। बट अगर आप ये सोचते हैं कि होम्योपैथ, आप एक तो पहली चीज वही जो डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी जो कि मतलब द मोस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर गोइंग टू कम टू फर्स्ट ईयर और हु गोइंग टू ज्वाइन दिस कॉलेज डज नॉट वॉन्ट टू बिकम अ होम्योपैथ। दे आर कमिंग टू दिस कॉलेज बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस, कि दे हैव ड्रॉप, दे हैव डन दिस दैट ये वो एक्स वाई जी। देन जब फर्स्ट ईयर में मैं जाता हूँ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय अपना स्टूडेंट्स हाँ, कि कौन कौन अपने मन से होम्योपैथ बन रहा है, एंड 90% से कि नहीं बन रहे। तो अगर आपके अंदर फर्स्ट ईयर में जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको ये बोलूंगा कि अगर मन है तो आना, नहीं मन है तो ये फोर्थ ईयर में पहुंच के और इंटर्नशिप में पहुंच के अगर ये बोलोगे कि सर मन नहीं लग रहा, लग नहीं रहा कि होगा और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट,
एमबीबीएस और एमएस कौन सा इजी है? डिफिकल्ट तो हर जगह पे है, डिफिकल्टी कहां पे नहीं है आप बता दो मुझको। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि होम्योपैथी में पैसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, बहुत पैसा है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि होम्योपैथी के बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आप भूखे मर जाओगे, गलत है। आपकी अपनी एबिलिटी है, आपकी अपने एफर्ट्स हैं, आपकी अपनी नॉलेज है, उसमें तो कोई नहीं रोक रहा ना, सब आपको एक ही जितना पढ़ा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को ज्यादा पढ़ा रहा है, कोई किसी को कम पढ़ा रहा है। तो आपके ऊपर है कि आप कितनी नॉलेज लेना चाहते हो। और नॉलेज लेने के बाद में कमिंग टू स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली लाइक कंप्लीटेड देयर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स स्टार्ट सीइंग पेशेंट्स। ओपीडी मिले ओपीडी, क्लिनिक्स मिले क्लिनिक्स, कहीं पे भी मिले, हॉस्टल में अपने बैचमेट्स को पेशेंट बना दो, बट उनको देखना शुरू करो, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को डेवलप करना शुरू करो, स्टार्ट टॉकिंग, बोलना शुरू करो। बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने पेशेंट से बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनको कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल है होम्योपैथ अच्छा बनना, इतना मैं जानता हूं। और रिस्पेक्टफुल रहो, कर्टियस रहो, हम्बल रहो, ह्यूमेन रहो, कि पेशेंट अगर आ रहा है तो उससे बात करें, एटिकेट से करें। वो अपनी खुशी से आपके पास नहीं आ रहा है, वो किसी प्रॉब्लम को आपके पास किसी वजह से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम में है वो। और ऑब्वियसली बात है, अगर वो पेशेंट कुछ समय बाद में उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपसे ढंग से बात नहीं करेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, और वो बनता है उसका, आपने पैसे लिए उससे, तो उसे ऐसे में उस टाइम पे ऐसे नहीं उसको धिक्कार दो कि अच्छा आप टेकन मनी नाउ, व्हाट व्हाट व्हाट्स द नीड ऑफ टॉकिंग टू दिस पेशेंट। नो, अगर इस तरीके से करते हैं तो ज्यादा समय तक आपका नाम चल नहीं पाता इस फील्ड में। तो पेशेंट देखना शुरू करो, पेशेंट से बात करना शुरू करो, किताबें पढ़ना शुरू करो, और किताबें सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नहीं मैं कह रहा हूँ, किताबें हर तरीके की किताब पढ़ना शुरू करो, और ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही रहें, आपकी एक बेसिक एटिकेट सही रहे, और आपकी एक ओवरऑल ग्रोथ हो। बिकॉज होम्योपैथी के अंदर सबसे अच्छी चीज यही है कि आपके पास एक न्यूबॉर्न बेबी भी आएगा और एक 100 साल का आदमी भी आएगा। तो यू शुड एक्चुअली नो हाउ टू टेक केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी एंड अ 100 ईयर ओल्ड पर्सन। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आप सबके डाउट्स जो हैं प्रैक्टिस को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे, और सर का मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना समय निकाला इन सब सवालों के जवाब देने के लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।